नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा जीवनगढ़ से आ रही है, जहां पर बुजुर्ग दंपति को प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है। सही सुना आपने, प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, बुजुर्ग दंपति का कसूर इतना था कि अपने बेटे का लालन पालन करके बड़ा किया और बेटे की शादी करके बहू लाया, जबकि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, लेकिन बेटा और बहू मिलकर बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकाल दिया, यहां तक जान से मार देने की धमकी भी दे दिया। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। बेचारे बुजुर्ग दंपति ने प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए हुए 4 दिन से कब्रिस्तान में बैठकर जीवन यापन कर रहा है, ना ही इन्हें प्रशासन से न्याय मिल रहा है और ना तो बहू बेटे घर के अंदर आने दे रहे हैं। आखिर बुजुर्ग दंपत जाएं तो जाएं कहां? आइए जानते हैं बुजुर्ग दंपत की ही जुबानी संवाददाता फयाज अहमद की खास रिपोर्ट। अंकल आंटी, क्या हुआ, कैसे बैठे हो यहां पे? हाँ बैठे भाई, 3-4 दिन हो गए मैं बैठा हूँ कब्रिस्तान में, तो हमारे पास ना खाने को है ना कपड़ा है, रही और ठंड पड़ रही। क्या परेशानी है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे आप? परेशानी यो है, हमारे बहू बेटे ने हम निकाल रखे घर से है। अच्छा अच्छा। और हम धक्के मार मार कर हमारे घर में चोरी करी, जो भी कुछ लाते हैं खाने पीने को कोई देता है, हम हमारे पास कमाया हमारे पास नहीं जाता। अच्छा, तो हम परेशान कर रखे हैं, हम डंडों ते मारन छेता बच्चों पते गालियाँ दुआवा हैं, हर जो हम कहना लगावा तो फिर सारे मोहल्ले वाले भी उनके साथ लग जा। अच्छा, मोहल्ले वाले भी उनके साथ लग जाते हैं? हाँ जी। आपकी कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता, ना कोई अच्छा, प्रधान अच्छा। सुन रहा ना कोई पुलिस सुन रही है, पुलिस भी आके हमें धमका कर चली जा है, उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। भी आए थे पुलिस वाले, अच्छा। उन्होंने आनके हाँ और हमें ही धमकाए, और उनकी सुनी में रो रो के उनके आगे खड़ी हो जा, और उनकी हमारी झूठी हो जा और उनकी सच्ची हो जा। और ये पता नहीं पुलिस वालों ने भी एक भाई, ये कितने परेशान हैं, ये कितने आदमी इनके। भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकारी ने कल फोन किया था थाने से, थाने में। हाँ तो पुलिस आई थी आपके पास? हाँ पुलिस आई थी, लेकर गई थी, तो वहाँ जाकर उन्हीं की सुन रहे पुलिस वाले भी, उन्हीं के वह रो रो के उन्हें बता रही हम कहाँ जाएंगे। और पुलिस वालों ने यो नहीं पता कि भाई ये 2 आदमी और यह इतनी पब्लिक खड़ी, और यूँ कहा कि हमारे डले पत्थर मार रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? बस वो पूत बहू जो है वह अपना आधा घर बार बेच रहे, उन्हें दूसरों ने हमारे पत्थर छीन कर, और कह रहे भाई तुम हमारे साथ रहो, और क्या पता पुलिस वालों ने भी रिश्वत खा रखी है, जो हमें धमका के जा, और ना कोई प्रधान ना तो कोई, क्या पता हमें रिश्वत खा रखी प्रधान ने या पुलिस वालों ने, हमारी कोई नहीं सुनाई करता है। 10,000 रुपए निकाले हमने अपने कफन काटी के वास्ते धर रखे थे, ये क्या पता कौन सा प्रधान कौन है यहाँ, क्या नाम है प्रधान का? पासा प्रधान है। हाँ, वो भी नहीं सुन रहा, हम 10 दफा जा लिए उस पास, चौकी वाले हमारी अच्छा। नहीं सुनते। अच्छा, और हमें घर से निकाल रखे कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम्हें जानते मारेंगे, बाहर का कुंडा चढ़ाया, अब देखियो जान से मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दी, इसी वास्ते हम डर के मारो यहाँ बैठे हैं, कब्रिस्तान बैठे हैं।